हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेस पेड़ा रेसिपी। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी नज़दीक है और भगवान श्री कृष्ण दूध से बनाई हुई कोई भी मिठाई बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि दूध से कैसे पेड़ा बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, इफ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है गरम दूध, और गरम दूध में हम दो पिंच केसर के धागे डाल देंगे और इसे मिलाकर साइड में रख देंगे, यह ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नॉनस्टिक कढ़ाई लूँगी और उसमें एक टेबलस्पून घी डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। मैंने यहाँ पर पैकेट वाला दूध इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को हाई फ्लेम में उबालेंगे। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दूध को उबाल आने के बाद मैं गैस को मीडियम फ्लेम में कर दूंगी। मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगी। अब दूध को मीडियम फ्लेम में 30 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। आफ्टर 30 मिनट दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गई है। दूध को हम 15 मिनट के लिए और उबालेंगे। रिमेम्बर, दूध को हर 1 मिनट कलची से स्टर कीजिए, नहीं तो दूध जल सकती है। आफ्टर 15 मिनट हमारा दूध जो है वो पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे केसर वाले दूध डाल देंगे। उसके बाद इसे मिलाकर और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए एक अलग बोल में 4 टेबलस्पून ठंडा दूध और उसमें 2 टेबलस्पून मैदा मिलाकर इस मिक्सचर को धीरे धीरे दूध में ऐड करते जाएंगे और दूध को मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दूध में लम्स नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा पेड़ा का जो डो है वो अच्छा नहीं बनेगा। आप यह देख सकते हैं दूध का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्रीमी स्ट्रक्चर हो गई है। अब दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर चीनी। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब पाउडर शुगर लिया है। यू कैन ऐड पाउडर शुगर ऑफ योर चॉइस। अब इसे कंटिन्यूसली स्टर करना होगा। हमारा दूध जो है वो पेस्ट फॉर्म हो गया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। अब इसे तब तक पकाइए जब तक कि ये एक डो फॉर्म में ना आ जाए अपना। अब हमारा यहाँ पर पेड़ा का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है, तो अब हम इससे पेड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा डो जो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, और हाथ को ग्रीस करके आप ऐसे भी पेड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेड़ा का मोल्ड इस्तेमाल करूँगी। तो मोल्ड को थोड़ा ग्रीस कर उसमें वो लुई डालकर हम पेड़ा बनाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कैसे झटपट से पेड़ा बन गई है। रेसिपी को टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि सबर का फल मीठा होता है। आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। इस पेड़े को भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट पे बताइए कि कैसा हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।